दोस्तों, संजू की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका। भारतीय बल्लेबाजों ने बना दिया किंग्स मीट को अफ्रीका का शमशान, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। और अब बड़े बड़े दुनिया भर के दिग्गजों सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, एबी डिविलियर्स, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग ने भी संजू की इस धाकड़ बैटिंग और भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत को देखकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा है, सुनकर शायद आप भी अपने कानों पर यकीन न कर पाए। तो क्या कुछ रहा इन दिग्गजों का रिएक्शन संजू के चमत्कार और भारत की जीत पर, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आया जब भारत और साउथ अफ्रीका पहला टी20 मैच खेलने के लिए किंग्स मीट के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और यह फैसला उनके लिए कितना खतरनाक साबित हुआ कि खुद कप्तान मार्करम नहीं समझ पाए। जी हाँ, भले ही अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन संजू सैमसन का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर केवल 50 गेंद में 107 रनों की लाजवाब पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 10 खतरनाक छक्के लगाए। वहीं संजू सैमसन के अलावा तिलक वर्मा ने 33 रन जोड़े और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 21 रन, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने अफ्रीका के सामने 20 ओवर में 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में उत्तरी अफ्रीका की टीम पूरी तरह से लुढ़क गई। कप्तान मार्करम केवल 8 रन बना सके, तो वहीं स्टब्स में केवल 11 रन जोड़े। आवेश खान और अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती के साथ मिलकर और भी गेंदबाजों ने अफ्रीका की कमर तोड़ दी। और देखते ही देखते भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले बड़ी आसानी से अपने नाम कर गए और अफ्रीका को उनके घर में धूल चटाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। हर तरफ भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। पूरे स्टेडियम में टीम इंडिया की जीत की खुशी नजर आ रही थी। वहीं हिंदुस्तान के खेमे में भी जश्न का माहौल था। हर तरफ संजू सैमसन के नाम के नारे लग रहे थे। वहीं टीम इंडिया की जीत से पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय टीम की जीत और संजू सैमसन की बल्लेबाजी से काफी खुश हुए। और फिर दिग्गजों ने भारतीय टीम के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए ऐसा बयान दिया कि जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। तो आखिर किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान देते हुए कहा, वो तो हम आपको चलिए उनके बयान में सुनाते हैं। सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए भारत की जीत और संजू की बल्लेबाजी पर कहा कि वाह संजू, आपने मेरा दिल जीत लिया, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। टी20 क्रिकेट में शतक लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन तुमने बैक टू बैक 2 शतक लगाए। आपकी बल्लेबाजी देखकर मैं काफी प्रभावित हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम अफ्रीका में सीरीज जीतेगी। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। हमारे खिलाड़ी अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हैं। सभी खिलाड़ियों को जीत की बहुत बहुत बधाई। वहीं पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने तारीफ करते हुए कहा, भारतीय युवा टीम ने शानदार खेल दिखाया, अफ्रीका को उनके घर में घुसकर हराया। ऐसा करना आसान नहीं होता है, लेकिन भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी। मैं संजू की जितनी तारीफ करूं कम है। इस बल्लेबाज ने अकेले अफ्रीका को गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। इस खिलाड़ी के अंदर मुझे काफी क्षमता नजर आती है। जब जब संजू को मौका मिला है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। ये खिलाड़ी आने वाले समय में भारत का सुपरस्टार खिलाड़ी बनेगा। मुझे पूरा भरोसा है। भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। नमाखों से एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया, हमारे बल्लेबाजों ने निराश किया, उनके गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। मैं संजू की जितनी तारीफ करूं कम है। वो अकेले टीम के लिए खड़े रहे, शतक लगाया, टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी निराश हूं। हम अगले मैच में जरूर वापसी करेंगे और टीम इंडिया को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इतनी आसानी से हम सीरीज अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। साथ ही साथ रिकी पॉन्टिंग ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा, भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया, अफ्रीका को उनके घर में घुसकर हराया। अफ्रीका की टीम बेहद मजबूत थी, लेकिन भारत की टीम में केवल युवा खिलाड़ी मौजूद थे। उसके बावजूद भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस टीम की तारीफ करनी होगी। संजू सैमसन ने जबरदस्त खेल दिखाया, अकेले अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैं ये मुकाबला देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन मजा आ गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अफ्रीका को उनके घर में टी20 सीरीज हरा पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार किंग्स मीट के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम को खदेड़ने के लिए भारतीय कप्तान ने जीत लिया है टॉस। हो चुका है कांटे का मुकाबला शुरू, तो आखिरकार टीम इंडिया के लिए जड़ दिया है कितने शतक। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार खेल रहे हैं कितने रन पर नाबाद, सब कुछ आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम पहला टी20 मैच जीतने में कामयाब होगी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैच की टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है। और दोस्तों, इस पहले टी20 मुकाबले को जीतने का सपना कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजो रखा है। वहीं हम आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए इस बार साउथ अफ्रीका में जाकर मुकाबलों को जीतना इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम के अगर अभी हाल फिलहाल के आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो इन्होंने
अपने घर में 11 मुकाबले खेले हैं और दोस्तों 11 में से 9 मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम जीतने में कामयाब हुई है। और दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी टीमें शामिल हैं जो कि साउथ अफ्रीका में जाकर T20 मुकाबला खेल कर आई थी और दोस्तों उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस बार पूरी कोशिश करनी होगी कि वो अपने दम पर मैच जितवाए। तो वहीं हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम के आगे हमारी टीम का प्रदर्शन हमेशा T20 में थोड़ा फीका ही नजर आता है, लेकिन टीम इंडिया में इस बार रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि मुकाबले को कभी भी पलटना बखूबी जानते हैं। और अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच अभी लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 3 HD चैनलों पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो ऑनलाइन जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी इस मैच को देख सकते हैं, जहां पर इस पहले T20 की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से हो जाएगी, यानी कि कोई भी इस मैच को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। अब जरा इस पहले T20 मुकाबले पर नजर डालते हैं तो टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा करेंगे और दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद होगी कि भारत के लिए शतक जड़कर एक अच्छी शुरुआत दिलाए। और अगर यहां अभिषेक शर्मा जिस लय में अभी चल रहे हैं और शतक लगाने का वो दम भी रखते हैं, वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो आइए पहले हम आपको भारतीय प्लेइंग 11 टीम बताते हैं, जहां भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को उतारा है। तो वहीं दोस्तों फिर तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव ने खुद का नाम रखा है, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है, तो वहीं पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या जो कि टीम के उपकप्तान है वो खेलते हुए नजर आएंगे। छठे नंबर पर हम सभी को भारत की तरफ से अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों बात करें सातवें नंबर के खिलाड़ी के बारे में तो दोस्तों सातवें नंबर पर रिंकू सिंह हम सभी को भारत की कमान संभालते नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए अब गेंदबाजों के बारे में तो दोस्तों यहां पर गेंदबाजी का जो चयन है वो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को ध्यान में रखते हुए लिया है, जहां उनका मानना है कि स्पिनर गेंदबाज किंग्स मीट के मैदान पर काफी कारगर साबित होंगे और यही हमारे लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई को रखा है आठवें नंबर पर, तो वहीं टीम का हिस्सा अर्शदीप सिंह भी बने हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया और यश दयाल टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि उतर रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराने के लिए। बाकी दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम ये पहला T20 मैच जीतने में कामयाब होगी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई टीम इंडिया फ्लाइट की तस्वीर आई सामने, वहीं ऋषभ पंत ने मां का आशीर्वाद लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए भरी उड़ान। ये 15 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाकर घमासान मचाने को हैं तैयार। कौन कौन से खिलाड़ियों को मिली है टीम में जगह, तो आखिर क्या है स्केड्यूल, कहां खेले जाएंगे सभी मुकाबले, कैसी है भारतीय टीम की तैयारी, क्या रोहित कोहली से लेकर जसप्रीत बुमराह पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, फाइनल की राह अब टीम इंडिया के लिए उतनी आसान नहीं रही है। न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद टीम इंडिया के लिए आगे का रास्ता काफी कठिन हो गया। भारतीय टीम अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगी, जिसको लेकर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने जा रही है। इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसमें टीम इंडिया को 4-0 से जीत हासिल करनी है। इसके बाद ही रोहित एंड कंपनी खुद के दम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच पाएगी। भारत इस सीरीज में मजबूत लय के साथ उतरेगा, हाल ही में उसने अपने घर में इंग्लैंड और बांग्लादेश को हराया है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार से उबरने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के साथ कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतना चाहेंगे। बता दें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 22 से 26 नवम्बर तक पर्थ के पहले टेस्ट मैच के साथ शुरू होगी, दूसरा टेस्ट 6 से 10 दिसम्बर तक एडलेड में खेला जाएगा, ब्रिस्बेन 14 से 18 दिसम्बर तक तीसरे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। प्रतिष्ठित बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न में खेला जाएगा। सीरीज 3 से 7 जनवरी तक सिडनी में 5वें टेस्ट के साथ समाप्त होगी। टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए रवाना हो चुकी है। टीम इंडिया के लिए जल्दी जाना फायदेमंद साबित होगा, वहां जाकर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर अभ्यास करेंगे, जिससे खिलाड़ी वहां की कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ी खुद को ढाल सके। घरेलू सीरीज में टीम इंडिया को 0-3 से व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम इंडिया के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ज्यादा चुनौती बड़ी साबित हो सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है। हालांकि कुछ खिलाड़ियों की तस्वीर भी सामने आई है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने से पहले पंत को मां का आशीर्वाद मिला, मां ने अपने लाडले को गले से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में संपन्न 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पंत टॉप स्कोरर रहे हैं। उन्होंने मुंबई टेस्ट में 2 हाफ सेंचुरी जोड़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम पंत को ICC टेस्ट रैंकिंग में मिला। बाएं हाथ के बल्लेबाज पंत 5 पायदान की छलांग लगाते हुए ICC की ताजा रैंकिंग में 6 नंबर पर पहुंच गए। साथ ही साथ इंडिया ए की टीम
पहले से ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले अभ्यास मैच खेलेगी। दरअसल एक फ्लाइट की तस्वीर सामने आई है जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर अभिमन्यु ईश्वरन है, नीतीश कुमार रेड्डी, खलील अहमद, देवदत्त पडिक्कल, ये तमाम खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे और फिर इंडिया के साथ भी इनका वार्म अप मैच होने वाला है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका चयन ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हो सकता है। कुछ खिलाड़ियों को स्टैंड बाय के तौर पर रखा जा सकता है, लेकिन ये टीम भारतीय टीम के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया में जाकर वार्म अप मैच खेलने वाली है। तो